गांव कनेक्शन आज संसद मार्ग पे है, जहां पे भारत के कई राज्यों के किसान महिलाएं आई हैं अपनी बात उठाने के लिए। दरअसल ये आज जो सम्मेलन हो रहा है, जो प्रदर्शन है, इसके दो मुद्दे हैं। ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि जब भी भारत में ऐसा नहीं कि पहले कभी किसान आंदोलन हुए नहीं, लेकिन जो किसान आंदोलन होते थे उसमें तमाम मुद्दे होते थे, कई संगठन अलग अलग बात उठाते। आज भारत में 185 संगठन मिल के आवाज़ आ रहे। ये देखिए वो महिलाएं जो कि महिला किसान संसद में शामिल हैं, इनकी मांग दो, पहली संपूर्ण कर्जा मुक्ति और दूसरी ये कि फसलों का लाभकारी मूल्य, फसलों का लाभकारी मूल्य वो भी कितना, जितनी लागत आती है उसका डेढ़ गुना उनको हर हाल में चाहिए। क्या मांग है आपकी, यहाँ क्यों आए आप? सबसे पहले आप लोग सभी टीवी देखते हैं, संसद देखते हैं, वहाँ क्या होता है, कोई एक नेता बोल रहा होता है बाकी सारों की नींद आ रही होती है, वो लोग सो रहे हैं वहाँ बैठे हैं, उनको हम लोगों ने बनाया, सोने के लिए नहीं बनाया, बोलने के लिए बनाया था, हमारी जो दिक्कतें उनको दूर करने के लिए बनाया था उनको संसद। लेकिन उनकी ऐसी हालात को देखते हुए आज किसान अपनी संसद खुद कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे हैं यहाँ, आप यहाँ पे क्या चाहते हैं आप? हमारी ये मांग है कि जो हमारे किसान भाइयों को, जो हम लोगों को फसल के रेट मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। दूसरा, बीमा योजना, क्या बीमा योजना बना दी आप लोगों ने, क्या फायदा, क्यों हमारे पैसे काट के आप लोग मजाक बना के रख रखा हमारा। जितनी दूर तक जाएंगे, ये संसद मार्ग है नई दिल्ली का, जहाँ पे भारत के 185 किसान संगठन पहली बार एक साथ आए हैं अपनी बात रखने के लिए। किसी को कन्नड़ नहीं आती, किसी को तेलुगू नहीं आती, जो दक्षिण के लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन जो उनके दर्द थे वो शायद लोगों को एक जैसे लगे, उनकी बातें, जो उनके भाव थे वो एक जैसे थे, इसीलिए सब के सब यहाँ पे एक सुर में उठे हैं कि अब हम अपनी हक, अपनी बात लेके रहेंगे।